सो गाइज हम लोग इतने रेडी क्यों हैं तो चलो आपको आगे बताते हैं और इतनी ग्रैंड एंट्री हम लोगों की क्यों हो रही है। तो गाइज ये भागवत का 5th डे था, तो इस दिन रुक्मिणी और कृष्ण जी का विवाह वाला सीन होना था, तो कोई मिला नहीं किसी को, तो हम दोनों ही मिले एंड में। तो बोला एकदम एंड टाइम पे बोला गया कि आप लोग प्लीज़ रुक्मिणी और कृष्ण बन जाओ। तो मैं तो चलो ठीक है रेडी हो गई थी, लेकिन प्रिंस नहीं रेडी हो रहे थे। फिर जैसे तैसे उनको बहुत मनाया तो वो मान गए और सिर्फ एक येल्लो कुर्ता डाल लिया। बोल रहे मुझे तुम अजीब सा बना दोगी ये वो, तो मैंने बोला नहीं तुम नॉर्मल एक कुर्ता डाल लो और मैं भी उसी कलर का ड्रेस पहन लूँगी तो बन जाएंगे अपन। तो आप लोग बताइए हम लोग कैसे लग रहे हैं, एकदम एंड टाइम वाला रेडी हुए हैं हम लोग। तो जो जैसा हमारे पास था हमने पहन लिया और चलिए आगे दिखाते हैं आपको रुक्मिणी जी और कृष्ण जी का विवाह। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की, बोलिए रुक्मिणी महारानी की। देखिए आज है क्या, आज दूल्हा बने हैं ना, सभी नाचेंगे तालियां बजाएंगे कि आज दूल्हा बने हैं ना मेरा, के चोरी का जवाब गाइस शादी हो गई है। अब शादी के बाद जो रिचुअल्स होते हैं वो भी हुए, जैसे कि हमारे यहाँ टीका करते हैं और साथ ही साथ जो पैर पूजते हैं दूल्हा दुल्हन के, तो वही सब ये लोग भी कर रहे थे और सभी लोगों ने किया। तो एक फ़ायदा भी हो गया, हम लोग के बहुत सारे पैसे भी जुड़ गए। Oh,
सो गाइज ये है मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी, तो ऐसे लाइन से सभी लोग आएंगे पैर पूजेंगे, तो मैं आपको बताती जाऊंगी कौन। गाइज ये है मेरी मम्मी और मेरे पापा, तो चलिए ये लोग भी पैर पूज रहे हैं, तो हम लोग का बहुत फायदा हो गया वैसे कृष्ण रुक्मणी बन के। और गाइज ये है मेरे चाचा चाची, मतलब मेरे दो चाचा चाची हैं, तो ये बड़े चाचा चाची हैं, मतलब प्राची के मॉम डैड। तो ये रहे मेरे सबसे छोटे चाचा और चाची। तो मेरे पापा लोग चार भाई हैं, मैंने आपको बताया ही था, और जब कभी मेरी बुआ लोग आएंगी, चार बहनें भी हैं वो लोग, तो मैं उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊंगी। और गाइज ये हैं मेरी भाभी लगती हैं वंदना भाभी। तो दोस्तों हमारी शादी हो चुकी है, अब शादी के बाद सब इतने खुश हैं कि मेरी दादी भी इतना झूम झूम के नाच रही है। सोचिए आप, ये 90 ईयर्स से कम नहीं होंगी, बट उनने भी बहुत झूम के नाचा और सब ने एक एक करके बहुत नाचा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब इतना इन्जॉय तो हम लोगों ने अपनी खुद की शादी में भी नहीं किया, जो कि हमें कृष्ण और रुक्मणी बन करके मज़ा आया। और दोस्तों इसे तो आप जानते ही होंगे, ये है निशी, ये है मेरी छोटी बहन। ओ लजने,
बार गाना भी होना है और सबको नाचना है लास्ट तो गाइस अब नाच गाने के साथ साथ हो रही है हमारे कृष्ण कन्हैया और राधा रानी जी की आरती और उनकी आरती होने के बाद फिर होती है मेरी और प्रिंस की आरती क्योंकि उस दिन हम लोग भी कृष्ण और रुक्मणी जी बने हुए थे तो उस दिन हम लोग को इतना स्पेशल फील कराया गया और बहुत ही अच्छा दिल से बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आप लोग भी देखिए और गाइस फिर पता क्या हुआ 10 बज गए थे, आरती हो गई थी, भागवत कथा सब हो गई थी और जो गाना गाने आए थे वो भी जा चुके थे, तब भी हम सबका मन भरा नहीं तो फिर हम लोगों ने डीजे में सॉन्ग्स बजवाए और फिर सब ने डांस किया। आ चुके हैं, देखिए इनका तिलक थोड़ा थोड़ा लगाया छूट गया और ये कृष्ण कन्हैया आज खा रहे हैं पास्ता, मॉडर्न कृष्ण कन्हैया। और ये क्या कहते हैं वो रहती ना गोपियां, है ना गोपियां रास रास आती, तो ये भी पास्ता से तो दम से पास्ता खा रही गाइस, बड़ा बड़ा खा रही पास्ता गोपी। तो मैंने पास्ता बनाया वहां से आके और ये थोड़े हम लोग फ्रूट्स खाएंगे। मैं मेरे लिए ये रहा पास्ता और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, वो साड़ी खाना अगर खा लो तो गाइस मैं खा लूँ उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मुझे कुछ चीजें भी वहाँ से मिली हैं साड़ी वगैरह, तो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो गाइस अभी मैंने बोला था ना जो मुझे साड़ी मिली है मैं आपको दिखाती हूँ और कोइंसिडेंटली क्या हुआ मेरे पास सेम वैसा ही दुपट्टा है और सेम मेरे पास साड़ी आ गई है तो मैं आपको दिखाती हूँ। निशी खोलना इसको साड़ी को, तो गाइस निशी खोल रही है, फोकस उस पर नहीं आ रहा फोकस। तो गाइस ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ऐसी कुछ साड़ी है, पहनने पे बहुत सुंदर लगेगी। मैंने सेम आपको दुपट्टा भी दिखाया था शायद ऐसा, तो ये मुझे साड़ी मिली है वहाँ पर और लिफाफे में तो बहुत सारे लिफाफे भी मिले हम लोग को, मतलब कि एनवेलप्स क्योंकि ना पैर पूजा वगैरह हुई थी जो भी आपने वीडियो में देखी। और साथ में यहाँ हमारे यहाँ क्या होता है ना साड़ी वगैरह दो तो उसमें से श्रृंगार का सामान देते हैं, तो ये क्या कहते हैं इसको मांग भरने वाला, ये मेहंदी की कोन है, ये बिंदी का पैकेट है और साथ ही में ना बिछिया भी दी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो गाइस कुछ ऐसी सी बिछिया हैं आप लोग, तो यही रहा। और आप लोग प्लीज़ गाइस बताइए कि मैं बहुत
मतलब मैं रुक्मणी जी लग रही थी या नहीं, क्योंकि प्रिंस ने मुझे टाइम ही दिया था, उन्हें बहुत जल्दी मताई थी चलो चलो करके। तो जैसा जो था हमारे पास हम लोग रेडी होके गए और बहुत अच्छा लगा। पहले तो इनका मन नहीं था, क्यों पहले बोले थे नहीं नहीं हमें नहीं बनना, हमें नहीं बनना, लेकिन जब बन गए तो उठने का नाम नहीं ले रहे थे वहां से। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। और हम लोग को कृष्ण और रुक्मणी बन के बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आई। और पता गाइस इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं कल शुभम भैया और अंकिता है ना, उनकी एनिवर्सरी में गए थे हम लोग। तो मैंने प्रिंस से बोला यार कि जब उनका ये सब हो रहा था ना कि अपन भी एनिवर्सरी मनाएंगे और अपन दोबारा शादी करेंगे, ऐसा करके बोला था है ना, ये बोला था मैंने कि अपन सिर्फ वेडिंग एनिवर्सरी में ऐसा अपन कुछ करेंगे जो कुछ नहीं हो पाया जो जैसा। और नेक्स्ट डे भगवान ने सुन लिया हमारी, दोबारा शादी करा दी। क्यों दोबारा शादी मतलब, हाँ ऑलमोस्ट वह जयमाला हुई, पैर पुजारी वाला फंक्शन हुआ, एकदम शादी वाली फील भी आ रही थी है ना, इतनी खुशी से शादी, हम लोग खुद नाच रहे अपनी शादी में। क्यों ये बात तो सही, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। सो गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ गाइस प्यार कीजिए और प्यार बांटते रहिए, बाय।